हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? अभी मेरी आंख में ना रोशनी लग रही है। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने संगम। और ये देखिए, मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है। और हाँ, मेरा स्लीपर ला दो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कौन सा चप्पल पहना, वही पहन के जा रही हूँ। तो व्यू आके बता रही है कि कौन सा चप्पल आप पहनी है। एक मिनट में दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे। ये देखिए, मैं घर का स्लीपर पहन के ना बाहर जा रही हूँ। तो थैंक यू बेटा। तो फ्रेंड्स, ये वाली ड्रेस ना मैं मीशो से मंगाई हूँ। और ये बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिल गया। बहुत खूबसूरत है। यहाँ देखिए, सब रेडी हो गए हैं। यहाँ एंजल रेडी हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। यहाँ घूमने जा रही हूँ। अभी गिरो, मैं घूमने जा रही हूँ। बाय। अच्छा, मालूम भी बोल दो। हेलो फ्रेंड्स, आ जा, सब आ जा, बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं घूमने जा रही हूँ। आप भी आइएगा। आपको बुला रही है फ्रेंड्स अपने घर संगम में। तो आप लोग आइएगा। और यहाँ सब लोग तैयार हो गए। सब अभी अपने अपने शूज पहन रहे हैं। सब पहन रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि समय समय पे हमें कहीं ना कहीं जाना चाहिए। पर हम कहीं जा ना, अच्छा ठीक है, ताला ठीक है। गुन्नू देखिए, रंजू रंजू रंजू, अरे गुन्नू गिरी। चलिए बाबू, आप गाड़ियाँ निकालिए ना। चलो अच्छे से कथा हो गया। हाँ, कथा होता तो अच्छे से हो गया। तब जैकेट गली तक हम लोग, चलो पैदल ही चलो। अरे यार, आप भी संगम आइएगा। सही करो। तो हम कर रहे हैं, चलो ठीक है, देखते हैं ना वहाँ पे। चलो जो बंदा है ना उसको आगे, चलो लेट हो रहा ना। मास्क तो जरूरी ही है ना। मास्क है आपका? एक सेकंड। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, संगम जा रहे हैं अभी हम। और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है, ये दोनों मुझसे छोटी हैं। काफ़ी दिन से हम प्रयागराज आने वाले थे पर प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो जा रहा था। तो इस बार हस्बैंड को भी छुट्टी मिल गया था, तो बोले कि चलो 2 दिन के लिए चलते हैं। और मेरा मूड भी बहुत ऑफ था, तो बोले कि चलो तुमको घुमा लाता हूँ, तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। और वाकई में फ्रेंड्स, सिस्टर लोग से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे ना कि जब मैं वापस आई तो वो सारे बच्चे रोने लगे, मेरे बच्चे वहाँ रहने के लिए, वहाँ के बच्चे मेरे साथ आने के लिए। तो अभी देखिए हम पहुँचने वाले हैं बस संगम। फुल एंजॉय। वाह दीदी, वेरी गुड। नहीं नहीं, मत हटा। ये दीदी फुल एंजॉय कर रही है चीज। दिख रही तब्बल है, सब आए हैं। समा कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे कह रहे तुमको और चीज को। क्या मजा मिलता है यार, कितना मजा आ रहा है। कैसा एक्सपीरियंस तुम्हारा दीदी? बहुत अच्छा। और थोड़ा दूर से करो, जूम करके। बाप रे, बहुत अच्छा।
अब बोली करी दीदी अभी इसको देखना इसको और फ्रेंड्स हमने ऊंट की सवारी का पूरा मजा लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था ऊंट की सवारी करते हुए। तो यहाँ देखिए मैं इनके पास आ गई हूँ, ये इतना अच्छा गाना गा रहे थे ना कि मैंने इनका थोड़ा सा क्लिप ले लिया और हमने कुछ इन्हें पैसे भी दे दिए। और जब हमने देने शुरू किए तो बाकी सभी ने भी दिए और इनका गाना सुनिए। गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों हिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती पुण्य की राह कठिन है अरे पाप बड़ा आसान, अपना धर्म निभाओ तो लो दाता का नाम। पुण्य कराह कठिन है अरे पाप बड़ा आसान, अपना धर्म निभाओ तो लो दाता का नाम। किसको पता है ओ, 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 किसको पता है किसको खबर है ये दाता भगवान से। गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों हिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती। फिर फ्रेंड्स क्षमा और उसके हस्बैंड ने भी ऊंट की सवारी का मजा लिया और बीच में देखिए पीहू बैठी है, वो बिल्कुल डर ही नहीं रही थी। और ये देखिए ऊंट की सवारी कुछ ऐसी होती है, मुझे बहुत डर लग रहा था जब वो ऊंट उठ रहा था ना और जब बैठ रहा था तो यूं लग रहा था कि जैसे मैं उसके मुँह के पास ही गिर जाऊँगी। फिर हस्बैंड बिस्किट ला के सभी जितने ऊँट वहाँ पर थे ना उन सभी को एक एक बिस्किट खिला दिया उन्होंने। और बच्चों से भी मैंने बहुत कहा कि यार तुम बैठ जाओ रुपेश और छवि, मैं बैठ जाती हूँ साथ में या पापा बैठ जाएंगे, पर वो इतना ज़्यादा डर गए थे ना कि बोल रहे थे कि इसका साइज़ देखिए मम्मी और मैं नहीं बैठूँगा, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो फिर हमने छोड़ दिया कि चलो बच्चे डर रहे हैं तो उन्हें नहीं बैठाएंगे। फिर हम नाव पे बैठे थे सभी लोग और ये मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया, ये इस पंछी का पता नहीं क्या नाम है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल पानी में भीग ही नहीं रहे थे, इनका पंख तक नहीं भीग रहा था। और हम लोगों ने जो सेव लिया था ना उसे जैसे ही पानी में हम फेंक रहे थे वैसे ही वो कैच कर ले रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो कि हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, सभी लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हम बीच धारा में जा रहे हैं, अभी तो यमुना जी में हैं हम लोग और जहाँ पे सरस्वती गंगा और यमुना का मिलन हुआ है वहाँ तक हम जाएंगे। उसके बाद मैंने कोशिश किया कि मैं थोड़ा क्लिप लूँ पर कैमरे में उतना अच्छी तरीके से नहीं आया और ऐसे बाहर तो दिख रहा था कि मतलब पानी जो है अलग है, गंगा माँ का पानी अलग है और यमुना माँ का पानी अलग है, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैं बहुत कोशिश की पर नहीं रिकॉर्ड हुआ, सोच रही थी कि आप लोग को एक बार दिखाऊं कि ये चीज़ देखने लायक है कि बिल्कुल पानी जो है एक दूसरे से मिक्स ही नहीं होता है। यमुना जी का पानी ब्लैक है और गंगा माँ का पानी थोड़ा मिट्टी कलर का है और दोनों एक दूसरे से नहीं मिक्स हो रहे थे, वही चीज़ मैं सोच रही थी थोड़ा सा आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर लूँ, आप भी दर्शन कर लो, पर ऐसा नहीं हुआ, कैमरे में साफ तरीके से आ ही नहीं रहा था वो। तो अभी देखिए हम आ गए बड़े हनुमान जी, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, ये इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस मंदिर है, आप लोग भी शायद जानते होंगे, मुझे नहीं पता कि कितने लोग जानते होंगे कितने लोग नहीं जानते होंगे। तो यहाँ हम आ गए हैं दर्शन करने और मेरा बहुत दिन से मन था इनका दर्शन करने का। वैसे तो न्यूज़ वगैरह में मैं इनको देखती थी पर ऐसे सामने से मैं कभी नहीं देखी, तो आज बुला ही लिए अपना दर्शन देने के लिए। और संजोग ऐसा कि जब हम पहुँचे तो उनकी आरती शुरू हो गई, तो काफ़ी टाइम यहाँ पर भी मतलब लग गया था आरती में और बहुत ही अच्छा लग रहा था आरती में। और यहाँ पे तो इतना सुकून, इतना शांति, इतना मतलब इतना हलचल होने के बावजूद भी बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम भीड़ में हैं, बहुत शांति यहाँ मंदिर में था। तो ये देखिए बच्चे जो हैं वो महनोई के साथ आ रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हो बहुत बच्चे खुश थे और गुन्नू तो काफ़ी खुश है अपने पापा के साथ। तो ये देखिए मंदिर कुछ इस तरीके से है और आरती अभी शुरू हो रही थी,
तभी हम लोग पहुंच गए। फिर हमने लड्डू लिया और तुलसी माला लिया, बस यही सब, और फूल माला लेके हमने आरती की और भीड़ आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके ही जाइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर भी किया करिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाती हूँ। और फुल वॉच किया करिए। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रयागराज टूर में।